महानिरीक्षक भरतपुर रेंज एवं पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुगलाल मीना व पुलिस उपाधीक्षक मदनलाल जैफ के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत खो थाना पुलिस की टीम ने मई मोबाइल 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खो थाना प्रभारी नरिमन मीना ने बताया कि गड़ी मेवात और हिंगोटा सड़क मार्ग के बीच से 22 वर्षीय तारीफ पुत्र रुज्जी उर्फ रुजदार व 20 वर्षीय शाहरुख पुत्र रुज्जी उर्फ रुजदार मेव निवासी गड़ी मेवात को गिरफ्तार किया है। वहीं खो थाना प्रभारी हरिमन ने बताया कि उक्त दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल जब्त किए हैं, जिनमें लड़कियों के अश्लील वीडियो, फोटो, सेक्स चैटिंग, पार्टियों से चैटिंग सहित ऑनलाइन ठगी संबंधित तथ्य भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी OLX पर विज्ञापन देकर फर्जी वाहनों आदि की खरीद फरोख्त करते थे। इस संबंध में दोनों आरोपी काफी दिनों से फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान आजी साहब भरतपुर रेंज भरतपुर और श्रीमान एसवी साहब भरतपुर के OLX और सेक्स एक्ट के संबंध में अपराधों की रोकथाम हेतु आदेश प्राप्त हुए थे, जिस संबंध में श्रीमान एडिशनल एसपी साहब डीग और श्रीमान सीओ साहब डीग के निर्देशन में मन थाना अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसमें हेड कांस्टेबल राजेंद्र, कांस्टेबल राघवेंद्र और कांस्टेबल श्याम की टीम गठित की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 19 मार्च 2021 को दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें उनके पास से दो मोबाइल मिले हैं, जिसमें न्यूड लड़की की वीडियो और सेक्स चैट संबंधी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फर्जी फेसबुक आईडी और पैसे के लेन देन संबंधी ट्रांजैक्शन डिटेल्स और आर्मी के जवानों की फ़ोटो इसमें हमें मिले हैं, जिस संबंध में थाना आजापुर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और इन लोगों ने करीब 4 साल से ही काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 1000 लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, और इनके और साथियों की भी तलाश की जा रही है, इनसे और पूछताछ की जा रही है।